जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 15 फरवरी बृहस्पतिवार का दिन, माघ मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, सर्वा सिद्धि योग, अश्वनी नक्षत्र केतु के प्रभाव से दिन की शुरुआत। केतु जो आपकी इच्छा को जागृत करता है, केतु जो सपनों को साकार करता है, केतु जिसके प्रभाव से नए काम नए संबंध बनते हैं, आपके रुके हुए काम अब पूरे होंगे, जीवन की संघर्ष खत्म होगी और तरक्की आरंभ हो जाएगी। आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा, सौभाग्य को बढ़ाने वाला, जीवन में लाभ धन और सुख को बढ़ाने वाला साबित होगा। 9:26 के बाद भरणी नक्षत्र का उदय होगा और शाम 5:23 के बाद ब्रह्म योग आरंभ हो जाएगा। शुक्र जो इस समय आपकी कुंडली में त्रिग्रही राजयोग बना रहा है, शुक्र जो मंगल बुध के साथ गोचर कर रहा है, बेहतर परिणाम आपको देगा। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का गोचर और राहु का शनि के धन भाव में गोचर करना आपके लिए तरक्की सौभाग्य लाभ और सुख को बढ़ाने वाला साबित होगा। शुक्र का भी प्रभाव है, केतु का भी प्रभाव है, यानी अश्वनी नक्षत्र का स्वामी केतु और भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र आपके सपनों को साकार करेगा। कामयाबी का सपना जो आप देखते हैं, बड़े बदलाव आपके जीवन में होगी, स्थिति में बड़े सुधार तेज गति से होंगे। धन व्यापार के लिए दिन अच्छा होगा, हंसी खुशी से दिन व्यतीत होगा। ग्रहों की अनुकूल स्थिति रोजगार की दिशा में काफी अच्छे परिणाम लेकर आएगा, कई अच्छे अवसर आपको मिलने जा रहा है। अगर जीवन में सुख सौभाग्य और धन कमाना चाहते हैं तो आप मेहनत से अपने काम को करें, जिस भी काम में हाथ डालेंगे अच्छी सफलता मिल जाएगी। हर दृष्टिकोण से आज का दिन शानदार रहने वाला है, सफलता से भरा आज का दिन जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि धन का लाभ होगा और भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि भरणी नक्षत्र का शुक्र आपकी कुंडली में त्रिग्रही राजयोग बना रहा है, वहीं केतु जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। सुख समृद्धि बढ़ता है, अधूरे कार्य पूरे होते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है, समय बड़ा शुभ है स्टूडेंट के लिए। जीवन में अच्छे परिणाम और बड़ी सफलता, किस्मत के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। अपनी मेहनत से अपने जीवन में आप बड़े लाभ और सुख प्राप्त करेंगे, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। साहस के साथ अपने काम को आप करते जाएं। पंचम भाव इस समय शनि से प्रभावित हो रहा है, नौ दंपत्ति के लिए संतान की सुख की प्राप्ति शुक्र के प्रभाव से राजयोग में होगा। आपके बच्चों की तरक्की भी होगी और जीवन बड़ा सुखी होगा। गृहस्थ जीवन में मान सम्मान और धन बढ़ेगा, आपके कार्य की प्रशंसा होगी और आपके जीवन में कुछ ऐसे काम होंगे जिससे आपके मन में खुशी और जीवन में तरक्की देखने को मिलेगी। शनि का सूर्य के साथ युक्ति बनाना थोड़ा सा रुकावट लेकर आया है, लेकिन चंद्रमा बृहस्पति के साथ होने से धन का लाभ और उन्नति के योग बन रहे हैं। बुध का प्रभाव मंगल और शुक्र के साथ लाभदायक सिद्ध हो सकता है, यानी आपके धन भाव और आपके कर्म स्थान आज प्रभावित होने से मनचाही सफलता भी मिलेगी और मेहनत जो आप करते हैं मेहनत का पूरा लाभ भी आपको प्राप्त होगा। काम कारोबार में तरक्की मिलेगी, अगर आप नौकरी व्यापार करते हैं तो आज जीवन में तरक्की उन्नति देखेंगे, बहुत सारे काम आपके पूरे हो जाएंगे और जीवन सुखी हो जाएगा, परिवार में खुशियों का माहौल होगा।
क्योंकि शुभ योग में ग्रहों की शुभ युक्ति से शुभ फलदायी लाभ का अवसर प्राप्त हो रहा है। जीवन में कुछ रचनात्मक कार्य भी होंगे और संतान से आपको अच्छे समाचार की प्राप्ति भी होगी। आज ये महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति और श्रेष्ठ काम से जीवन में शुभता बढ़ेगा, उत्साह उमंग बहुत ज्यादा होगा, दिन बड़ा शुभ है, समय अच्छा है। अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे तो कामयाबी और सफलता के साथ सुख शांति भी आपके जीवन में देखने को मिलेगी। आज आपका भाग्य भाव भी प्रभावित हो रहा है, जिससे सोचा हुआ काम आपका पूरा होगा और आपके जीवन में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। उत्साहजनक परिणाम की प्राप्ति और प्रेम विवाह का योग भी बन रहा है। बृहस्पति का चंद्रमा के साथ प्रभावित करना और लग्न के ऊपर अपनी दृष्टि डालना, तरक्की से भरा आज का दिन आपके लिए बड़ी उपलब्धि लेकर आएगा। यानी आज के दिन जीवन में बड़े काम करके अपने नाम को भी आप रोशन करेंगे और जीवन में कुछ ऐसे काम करेंगे जो आपके लिए बड़ा सुख देने वाला साबित होगा। आज शनि का गोचर और राहु का शनि के धन भाव में गोचर करना जीवन में धन की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। शुक्र मंगल बुध की युक्ति से लाभ धन सुख की प्राप्ति और चंद्रमा बृहस्पति के प्रभाव से जीवन में तरक्की उन्नति, अश्वनी नक्षत्र का केतु और भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र तरक्की उन्नति सुख सौभाग्य के साथ थे, समस्याओं का समाधान भी होने वाला है। दिन आपके लिए बेहतर परिणाम का दिन है, दिन आपके लिए काफी लाभकारी और सुख देने वाला साबित होगा। यानी जीवन में हर काम को आप अच्छे से करने की कोशिश करेंगे तो तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे और धन आगमन का स्रोत भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ परिवार में खुशी और सुख की प्राप्ति जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। रिलेशनशिप भी आपके अच्छे होंगे और जीवन में हर प्रकार के सुखों का भोग करेंगे। दिन आपके लिए सुख देने वाला भाग्यशाली दिन साबित होगा। आज दक्षिण दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर व्हाइट होगा और लकी नंबर 9 होगा। राहु काल 1:59 से 3:23 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। सर्वा सिद्धि योग सुबह 7 से आरंभ होगा, जो आपके लिए बेहतर स्थिति का निर्माण करेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त 12:13 और विजय मुहूर्त 2:27 तरक्की उन्नति उपलब्धि भरा होगा और दिन की शुरुआत